इस खबर के पेश करता है अजलान टूर्स एंड ट्रेवल्स, हजन उमरा ग्रुप, आकाश नगर, अंबरपेट, हैदराबाद, डी कैफे स्टूडियो, अ स्टूडियो थीम कैफे, बिनज़ैद मनी ट्रांसफर, सेंड एंड रिसीव मनी अराउंड द वर्ल्ड इन मिनट्स। खुशामदीद नाज़रीन। फलकनुमा पुलिस हदूद में फलकनुमा पुलिस ने एक शख्स के कब्जे से एक तलवार और एक जमिया जब्त कर लिया है। तफसलात के मुताबिक 22 साल इलियास तिगलकुंटा इलाके में अपनी बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी में तलवार और जमिया लेकर घूम रहा था। तभी सरप्राइज चेक के दौरान फलकनुमा पुलिस ने इलियास के कब्जे से जमिया और एक तलवार जब्त कर ली है। इलियास जमिया और तलवार गुलबर्गा से हैदराबाद बेचने के लिए लाया था। फलकनुमा पुलिस ने इलियास के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करके इलियास को अदालती तहवील में दे दिया है। इस सिलसिले में सुनते हैं फलकनुमा इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव का बयान। परसों रात में हमारे ब्लू कोट ऑफिसर्स, फलकनामा ब्लू कोट ऑफिसर्स PC 6338 के ओबलेश ऑफिसर, हमारे PC 4666 टी रमेश ऑफिसर, दोनों BC 2 सेक्टर में व्हीकल चेकिंग, सरप्राइज व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। व्हीकल चेकिंग में एक नंबर विदाउट नंबर स्कूटी चेक कर रहे थे लोग, और स्कूटी का सीट का नीचे चेक कर रहे तो एक तलवार एक जम्बिया मिले थे। इमिडिएटली उसको पकड़ के गाड़ी के साथ पुलिस स्टेशन लेके आके हमारे सामने पेश करे थे। हम लोग उसको इंटरोगेशन करे, उसके नाम इलियास, एज 22 ईयर्स है, व्हीकल मिरर शॉप में काम करता है, नवा साहब कुंटे में रहता। इन लोग गुलबर्गा जाके खरीद लेके इधर आके बेचने के वास्ते देख रहे थे। उन लोग उसको अरेस्ट करे, उसका गाड़ी भी सीज करे। हमारे ब्लू कोट ऑफिसर्स को हम रिवार्ड भी दिए, कैश रिवार्ड।